तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी जोन GSK। दोस्तों, हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का स्टडी कर रहे हैं, जिसका आज हम चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है फाउंडेशन, यानी कि जिसे हिंदी में नींव बोला जाता है। इसके पहले हम लोगों ने इस सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर को ओवरऑल कवर कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर सेकेंड, जिसका आज ये फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। तो चलिए, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसमें जितने भी ओवर ऑल टॉपिक्स हैं देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि किस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है और कौन सा टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस चैप्टर के टॉपिक को देखते हैं और समझते हैं। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर आपको टॉपिक नंबर फर्स्ट दिख रहा होगा, टॉपिक फर्स्ट है आपका फाउंडेशन यानी कि न्यू। फर्स्ट टॉपिक में हम लोग फाउंडेशन को समझेंगे, यानी कि न्यू क्या होता है, न्यू के बारे में जानेंगे। टॉपिक नंबर सेकंड है हमारा टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, यानी कि फाउंडेशन के प्रकार, यानी कि न्यू के प्रकार। पहले टॉपिक में न्यू समझेंगे कि न्यू क्या होता है, न्यू किसे कहते हैं। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप न्यू जानते हो, न्यू को समझे हो, देखे हो, बस किताबी भाषा में लिखा है उसको समझ लेना है और कुछ शब्द को वहाँ से ऑब्जर्व कर लेना है, क्योंकि डेफिनेशन लिखते समय कुछ शब्दों की कमी आ जाती है, तो बस पढ़ेंगे तो शब्द हमारे बनते जाएंगे। तो वही है, थ्योरेटिकल पार्ट है, रटना नहीं है, समझना है बस चीज़ों को। और सेकेंड टॉपिक आपका न्यू के प्रकार, हम लोग जानेंगे कि न्यू कितने प्रकार के होते हैं टॉपिक नंबर सेकेंड में। ठीक, और टॉपिक नंबर थर्ड है आपका उथली न्यू, यानी कि सैलो फाउंडेशन। और टॉपिक नंबर फोर्थ है आपका डीप फाउंडेशन, यानी कि गहरी न्यू। ठीक है, चूँकि आपका न्यू जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आपको इस पे IMP कर लेना है, यानी कि मोस्ट बना लेना, इम्पोर्टेंट कर लेना है। ठीक है, न्यू के प्रकार भी आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है, इसको भी आपको इम्पोर्टेंट कर लेना है। और आपका उथली न्यू यानी कि सैलो फाउंडेशन, ये लगभग 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो वन बाई वन करके सबको देखेंगे, सैलो फाउंडेशन को समझेंगे, तो भी आपका कहीं ना कहीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसको इस पर भी आपको इम्पोर्टेंट कर लेना है, और डीप फाउंडेशन भी होता है। ठीक है, तो आपको इन टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और पूरे तन मन धन से इसको आपको समझना है। ठीक है, पांचवा टॉपिक है आपका न्यू पर आने वाले भार, यानी कि लोड्स ऑन फाउंडेशन। ठीक है, न्यू पर कौन से भार आते हैं, चल भार, अचल भार, वाई भार, इन सभी भारों को हम लोग न्यू पर आने वाले भार यानी पाँचवें टॉपिक में समझेंगे। उसके बाद आपका है टॉपिक नंबर 6 है। टॉपिक नंबर 6 क्या है आपका, टॉपिक नंबर 6 है न्यू का उद्देश्य या कार्य, ऑब्जेक्ट ऑफ फाउंडेशन। ठीक है, यानी कि न्यू का क्या कार्य होता है, ठीक है, क्या उद्देश्य होते हैं न्यू को बनाने के लिए, इन सारी बातों को हम लोग टॉपिक नंबर 6 में समझने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका है टॉपिक नंबर 7 है आपका, टॉपिक नंबर 7 है अच्छे न्यू की ज़रूरत या आवश्यकता, रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए गुड फाउंडेशन। ठीक है, तो टॉपिक नंबर 7 में हम समझेंगे कि जो हमारी न्यू होती है, ठीक है, अच्छी न्यू की क्यों आवश्यकता होती है, क्यों ज़रूरत होती है, इन सारी बातों को हम लोग टॉपिक नंबर 7 में स्टडी करने वाले हैं। टॉपिक नंबर 8 क्या है आपका, टॉपिक नंबर 8 है आपका न्यू धंसने के कारण एवं उपचार, केसेस ऑफ सेटलमेंट ऑफ ए फाउंडेशन एंड इट्स रेमेडियस। ठीक है, तो टॉपिक नंबर 8 में आप ये जानेंगे कि न्यू क्यों धंस जाता है, किन कारणों से धंस जाता है, क्या कमियाँ होती हैं कि न्यू हमारा धंस जाता है, चूँकि ये सारी बातें एक सिविल इंजीनियर को पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप एक सिविल की स्टूडेंट हो तो आपको सारी बातें, बेसिक चीज़ आपको जानकारी रखनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ से कम आपसे 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन आपका बनता है, टिप्पणी में भी कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपका ये चैप्टर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको चैप्टर को स्किप नहीं करना है। ठीक है, और पहले चैप्टर से भी आपके 5 नंबर के क्वेश्चन 100% एक क्वेश्चन तो आपका बनेगा ही बनेगा। और 9वां और 10वां टॉपिक है आपका, टॉपिक नंबर 9 है आपका मृदा, सॉइल जिसे बोला जाता है। टॉपिक नंबर 9 में जानेंगे मृदा क्या होती है, मिट्टी क्या होती है, इसके बारे में जानना है। तो मिट्टी को आप जानते हो, देखे हो, भौतिक वाली बातें हैं, शब्द को हमको ऑब्जर्व करना है, मैं बार बार बताता हूँ। 10वां टॉपिक है आपका मृदा की प्रकार, मृदा की भार वहन धारण क्षमता, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉयल्स। ठीक है, तो मृदा की क्या भार वहन क्षमता क्या क्या होती है, तो इस सारी बातों को हम लोग टॉपिक नंबर 10 में जानेंगे। और अदर, ठीक है, कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस एक आध दो क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उनको भी हम लोग हर चैप्टर से अदर में लेके चलेंगे और उन चीज़ों को लास्ट में हम लोग स्टडी कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग अपना टॉपिक नंबर फर्स्ट को। टॉपिक नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, टॉपिक नंबर फर्स्ट है न्यू फाउंडेशन। फाउंडेशन को समझते हैं कि फाउंडेशन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं न्यू को।
टॉपिक नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर आपके शो हो रहा होगा, ठीक है। चूँकि टॉपिक नंबर फर्स्ट है आपका है न्यू, तो न्यू को हम लोग समझने वाले हैं, तो चूँकि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, तो देखिए लिखा है, मैं आपको बताता हूँ कि रटने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को समझना हमको रटना बिल्कुल भी नहीं है। लिखा है पृथ्वी पर स्थापित की गई संरचना, ठीक है, पृथ्वी पर स्थापित की गई संरचना या सभी अचल संरचनाएँ भूमि को आधार मानकर तैयार की जाती हैं। प्राय संरचनाओं का अधिकतम भाग जमीन के ऊपर दिखाई देता है, परंतु संरचना का कुछ भाग दिखाई नहीं देता है। यह नहीं दिखाई देने वाला भाग, जो भाग दिखाई नहीं देता है, वही भाग क्या कहलाता है, जिसे निर्माण कार्य के दौरान देखा जा सकता है, ठीक है। दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब नींव का निर्माण किया जाता है उस समय जो भाग दिखाई देता है, जमीन के अंदर का जो भाग दिखाई देता है, ठीक है, वही क्या कहलाता है, नींव फाउंडेशन कहलाता है, ठीक है। तो वही थी कुछ बेसिक बातें थी, अभी आपको यहाँ से लिखना नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको यहाँ से मिली होंगी कि पृथ्वी पर स्थापित बहुत सारी संरचनाएँ स्ट्रक्चर जो तैयार की जाती हैं, उनको पहले भूमि पर ही खड़ा किया जाता है, एक आधार उनका तैयार किया जाता है, उसके बाद संरचना को तैयार किया जाता है, ठीक है, वही है। और कुछ भूमि के ऊपर की पार्ट जो है सिंपल आपको दिखाई देती हैं, कुछ नीचे की भूमि की पार्ट जो होती हैं, आपको पता है भूमि का कई परत होता है, तो नीचे का पार्ट नहीं दिखाई देता है, तो उसको खोदने पर कुदाल से फावड़ा से तब दिखाई देता है, तो वही जो परत होती है क्या कहलाती है आपकी, न्यू, यानी कि फाउंडेशन कहलाती है, ठीक है। तो यही था, और फाउंडेशन आपका बिल्डिंग ड्राइंग में भी आपके सिलेबस में है, और लगभग 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन आपके बिल्डिंग ड्राइंग से एक डायग्राम बनाने के लिए आता है, देता है, तो आप बीडी को आप पढ़ोगे तो आप यहाँ पे आकर के बीसी में, यानी कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आप यदि नहीं आता तो उसका आप डायग्राम बहुत इजीली बना पाओगे, और बहुत अच्छी वे में इसको क्या कर पाओगे, एक्सप्लेन कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका है कुर्सी तल है, यहाँ पे एक पहले नींव खनी जाती है खोदी जाती है, खोदने के बाद, ठीक है, वहाँ पे क्या कहते हैं, उसका आधार तैयार किया जाता है, ठीक है, कंक्रीटिंग के द्वारा बालू वगैरह वगैरह डाला जाता है, ठीक है, मसाला सीमेंट बहुत हल्का डाल करके उसको आधार तैयार किया जाता है। उसके बाद वहाँ से दीवार चलाई जाती है, दीवार किसकी चलाई जाती है, ईंट की हो गई, कहीं पर जहाँ पर पत्थर उपलब्ध होते हैं यहाँ पर पत्थर की चलाई जाती है, इस्पात की चलाई जाती है, केवल कंक्रीटिंग की चलाई जाती है, आवश्यकता अनुसार सुविधा अनुसार हर जगह पर चलाई जाती है। तो इसी के बारे में हम लोग समझने वाले हैं, ठीक। तो बस आपको वीडियो में बने रहना है, जो टिकेगा वही सीखेगा, एक बस बात को याद रखिएगा, आपको टिकना पड़ेगा भाई, यदि आपको जानना है तो, रटना नहीं है तो टिको, नहीं तो भाई रटना है तो भाई आप जो इच्छा करो कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे समझते हैं, लिखना नहीं है, मैं बताऊँगा जो वही चीज़ आपको लिखना है सिंपल, ठीक है, अभी कुछ नहीं लिखना है। और डायग्राम जो ऊपर आपको दिख रहा था, डायग्राम को सिंपल बना लेना है आपको, ठीक है। आप यहाँ से नहीं डायग्राम समझ में आ रहा तो आप जाइए बीडी में, बीडी के क्लास में जाइए, वहाँ से आप डायग्राम को समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बीडी का क्लास चूँकि चलाया जा रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और एक मोस्ट आपका पूरे यूट्यूब पर ऐसा कंटेंट ढूंढने को तो नहीं मिलेगा यार। आप थर्ड सेमेस्टर का सिविल का देखना, और हर जगह आप चेक करना, आपको इससे अच्छा स्टडी जोन जीएस के चैनल पर जो बीडी की क्लास जो बताया गया है अकॉर्डिंग टू सिलेबस बताया गया है, क्योंकि अभी फ़िलहाल हम लोग को 6 महीने हुए बीडी का पेपर दिए हैं, और इसी के अकॉर्डिंग हर चीज़ें पढ़ाई गई हैं, पेपर भी हम लोगों के पास है, पेपर भी आपको दिखा दिया जाएगा, ठीक, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, किस टाइप से आपको एग्जाम में करना, सारी चीज़ें आपके साथ सारी अनुभव शेयर की जाएंगी। तो बस आपको क्या करना है, जाके वीडियो को बीडी का एक बार देखो, 10 से 5 मिनट खुद आप समझ जाओगे, ठीक है। तो आगे आप देख सकते हो, आगे लिखा है इसमें संरचना का ऊपरी भाग जो हमारे उपयोग में आता है, ठीक है, तथा आँखों से दिखाई नहीं देता है, आदि संरचना कहलाता है, ठीक है। हम लोग समझे हैं ऊपर क्या था कि पृथ्वी का ऊपर का जो भाग होता है दिखाई नहीं देता है, भूमि मानकर कुछ स्ट्रक्चर तैयार किए जाते हैं, जो ऊपर का भाग दिखाई देता है, नीचे का भाग दिखाई नहीं देता, वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है आपका फाउंडेशन। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ही सिंपल लिखा है कि संरचना का ऊपरी भाग, ठीक है, जो हमारे उपयोग में आता है तथा आँखों से दिखाई देता है, अधिसंरचना यानी कि सुपर स्ट्रक्चर कहलाता है, जो भूमि का जो ऊपरी भाग होता है जो आपको दिखाई देता है क्या कहलाता है, सुपर स्ट्रक्चर कहलाता है। और संरचना का वह भाग, ठीक है, जो अवमृदा यानी सब आयल के संपर्क में रहता है तथा अधिसंरचना से आ रहे भारों को, ऊपर से जो भार आता है, ठीक है, अवमृदा यानी सब आयल पर स्थानांतरित करता है, क्या कहलाता है, सब स्ट्रक्चर यानी कि नींव कहलाता है। समझ पा रहे हो, ठीक है, बहुत ईजी था, और सिंपल लैंग्वेज में भी लिखा है कि संरचना का ऊपरी भाग जो हमारे उपयोग में आता है, जो आँखों से हमको दिखाई देता है, क्या कहलाता है, सुपर स्ट्रक्चर कहलाता है, रटने वाली चीज़ नहीं है। सुपर स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, ठीक है, जो ऊपर का भाग जो दिखाई देता है ज़मीन का, ठीक है, वही आपका क्या कहलाता है, सुपर स्ट्रक्चर कहलाता है, सिंपल भाषा में आप समझ सकते हो। और सब आयल पे, ठीक है, जो स्ट्रक्चर का जो भार आता है, और सब आयल क्या करता है, उसको
स्थानांतरित करता है किस पे, अधोसंरचना पे, ठीक है, वही क्या कहलाता है आपका, सब स्ट्रक्चर यानी कि नींव कहलाता है। आगे लिखा है कुछ, तो आप सिंपल नींव आप हेडिंग बनाओगे, नींव आप हेडिंग डालो और नींव आपको लिखना है, क्या लिखना है कि यहाँ से पूरा, यहाँ से एक मिनट यार कहाँ चला जाता है, आपको सिंपल आपको पूरा यहाँ से लिख देना है, ठीक है, यहाँ से आपको लिखना है कहाँ तक, यहाँ तक कहलाता है, ठीक है। संरचना का ऊपरी भाग जो हमारे उपयोग में आता है तथा आंखों से दिखाई देता है, अधिसंरचना यानी कि सुपर स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर लिख देना। और संरचना का वह भाग जो अमृता के संपर्क में रहता है, ठीक है, क्या कहलाता है, अधिसंरचना से आ रहे भारों को नीचे अमृता के बड़े भाग पर स्थानांतरित करता है, सब स्ट्रक्चर यानी कि नींव कहलाता है, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं थी, आप सिंपल नींव को, नींव का डिफिनेशन आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, आगे कुछ लिखा है, अर्थात अर्थात संरचना के दोनों भाग, अर्थात संरचना के दोनों भाग अधिसंरचना एवं अधसंरचना अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, इसलिए किसी को कमज़ोर नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। संरचना के दोनों भाग जो होते हैं, ठीक है, कौन कौन भाग होते हैं संरचना के, पहला होता है सुपर स्ट्रक्चर, उसके बाद क्या होता है सब स्ट्रक्चर, ठीक है। इनके दोनों भागों को किसी को भी क्षति नहीं पहुँचानी चाहिए, यदि एक को पहुँचाओगे तो दूसरे को पहुँचेगी, ठीक है, तो इसलिए इसको क्षति नहीं पहुँचानी चाहिए। क्यों नहीं पहुँचानी चाहिए, क्योंकि ये अपने अपने जगह पे अपना अपना रोल, ठीक है, एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, तो इसलिए इनको भी बिल्कुल भी क्षति नहीं पहुँचानी चाहिए, ठीक है। तो ये था, आगे देखिए, आगे लिखा है, यह कहना गलत है कि नींव अधिसंरचना से आ रहे भारों को, ठीक है, अधिसंरचना कौन सा होता है आपका, सुपर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, भारों को सहन करती है, बल्कि सत्य यह है कि वह अपने ऊपर आ रहे भारों को नीचे स्थित अमृता के बड़े भाग पर स्थानांतरित करने का माध्यम बनती है, इसलिए नींव का विकल्पन काफ़ी सोच समझ कर करना चाहिए, इसको अधिसंरचना से अधिक मजबूत होना चाहिए, ठीक है। इसलिए कभी भी नींव का आप विकल्पन कर रहे हो, डिज़ाइन कर रहे हो, तो काफ़ी सोच समझ के करना चाहिए कि जो आपका नींव है वहाँ की मिट्टी कैसी, मृदा कैसी है, कौन सी मिट्टी है, तो कितना आपका स्ट्रक्चर का वजन होगा, तो ठीक है, कितना आपका स्ट्रक्चर का जो वजन होगा तो ये मिट्टी झेल जाएगी कितने वजन तक, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख करके एक सिविल इंजीनियर को नींव यानी कि जब नींव की तैयारी करनी चाहिए, नींव का फाउंडेशन जब निर्माण, नींव का निर्माण करना चाहिए, तो सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। आगे देखिए लिखा है, अधिसंरचना में आने वाली कमियों को आसानी से दूर किया जा सकता है, परंतु नींव में आने वाली कमियों को काफ़ी मेहनत के बाद ही दूर किया जा सकता है, ठीक है। नींव के लिए ईंट, पत्थर, कंक्रीट, पब्लिक कंक्रीट, इस्पात आदि का प्रयोग किया जाता है, किन के लिए, मैं आपको ऊपर ही बता दिया था कि नींव का निर्माण जब किया जाता है तो ईंटों की जरूरत पड़ती है, पत्थर, ठीक है, कंक्रीट, प्रबलित कंक्रीट, इस्पात आदि के द्वारा प्रयोग किया जाता है, उनका निर्माण किया जाता है, ठीक है। इधर तो आपका अधिक से अधिक ईंट का भट्टों के द्वारा ईंट प्राप्त हो जाता है, कहीं पे ईंट नहीं मिलते हैं अधिक, तो पत्थर का उपयोग करके नींव बनाई जाती है, तो वही अकॉर्डिंग टू मतलब जो भी सुविधा रहती है तो उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, नींव का निर्माण किया जाता है। नींव की गहराई एवं चौड़ाई इस पर आने वाले भारों एवं अमृता की सुरक्षित धारण क्षमता पर निर्भर करती है, ठीक है। तो हम लोग समझें भाई नींव क्या होता है, नींव को समझे हैं, ठीक है, मैं आपको बताया हूँ, नींव हेडिंग डालना आपको, नींव का डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख देना है, और आपको एक पॉइंट करके लिख लेना है कि अधिसंरचना एवं अधसंरचना किसी को भी हानि नहीं पहुँचानी चाहिए, क्योंकि यह अपने अपने जगह पर, ठीक है, अपना एक महत्वपूर्ण रोल यानी कि एक अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं यानी कि निभाते हैं, इसलिए किसी को भी कमज़ोर नहीं बनाना चाहिए। और एक पॉइंट और लिखना है इसमें, एक पॉइंट और करना कि नींव के लिए ईंट, पत्थर, कंक्रीट, पब्लिक कंक्रीट, इस्पात आदि का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। बहुत सिंपल था, कुछ बड़ी चीज़ें नहीं थी, बहुत इजीली था, आप समझना चाहो तो बहुत इजी से सारी बातों को समझ जाओगे। थियोरेटिकल पार्ट है, नींव देखे भी हो, घर बहुत लोगों का बनते हुए देखे हो, नींव कैसे निर्माण किया जाता है, सारी चीज़ें आपको जानते हो, बस आपको यहाँ से कुछ जानना है तो आपको शब्द को ऑब्जर्व करना है चीज़ों को, ठीक है। तो हम लोग समझ लिए नींव क्या होता है। अब चलिए जानते हैं कि टाइप्स ऑफ नींव यानी कि नींव कितने प्रकार के होते हैं, उनके प्रकारों को देखते हैं, ठीक है, और उनके डेफिनेशन को देखते हैं, ठीक है। सेकंड टॉपिक हमारा यही था, ठीक है। देखिए यहाँ पे मोस्ट पहले लगा दिया गया था जब हम लोग पढ़ रहे थे, क्योंकि बुक हमारा ही है तो पहले पढ़ा जा चुका है, तो आपको सिंपल क्या करना है कि मोस्ट इसको भी लगा लेना है आपको, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसका हल्का सा जूम आउट करता हूँ और यहाँ पर मैं सेटअप कर देता हूँ अब, ठीक है। अब देखो नींव के प्रकार है, टाइप्स ऑफ नींव, हम लोग नींव को समझ लिए, ठीक है। उसमें सुपर स्ट्रक्चर था, सब स्ट्रक्चर था, ठीक है, सब ऑयल था, ठीक है। सुपर स्ट्रक्चर से भूमि को एक आधार मानकर के तैयार किया जाता था, ठीक है। सब स्ट्रक्चर का भार सब ऑयल पे आता था, वो क्या करता था, स्थानांतरित करता था किस पे, आपका सब स्ट्रक्चर पे, ठीक है, वही क्या कहलाता है, नींव कहलाता है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम लोग समझे हैं, ठीक है, रटने वाली चीज़ नहीं है यार। उसके बाद क्या है आपका, नींव के प्रकार, नींव के प्रकार को चलिए समझते हैं भाई, नींव कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ फाउंडेशन लिखा है अमृता की धारण क्षमता, ठीक है, एवं संरचना से आने वाले भारों को ध्यान में रखकर नींव कई प्रकार से बनाई जा सकती हैं,
ठीक है, सही बात है। कहीं कहीं पे मृदा अधिक अधिक मृदा की जो धारण क्षमता अधिक होती है, कहीं पे मृदा की धारण क्षमता कम होती है, तो उनके अकॉर्डिंग नींव का भी निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए किसी मिट्टी की धारण क्षमता कम है, वहाँ पर आप गलत नींव का निर्माण कर दिए, ठीक थोड़ा सा कम मजबूत है, तो क्या होगी, नींव धंस जाएगी। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग यानी मृदा के अकॉर्डिंग ही नींव का निर्माण किया जाता है कि कहाँ पे किस नींव का, ठीक है, किस फाउंडेशन का निर्माण किया जाए, वो मिट्टी के अकॉर्डिंग यानी अमृदा के अकॉर्डिंग किया जाता है। आगे लिखा है, देखिए समानता नींव का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। ठीक है, समानता नींव का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है, कौन कौन सा, उथली नींव यानी कि शैलो फाउंडेशन है आपका, एक डीप फाउंडेशन है। ठीक है, तो नींव के प्रकार में हम लोग दो प्रकार के देख लिए, शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन। चूँकि हमारा ये टॉपिक भी है और काफ़ी लॉन्ग टॉपिक है, तो बहुत डीपली में इनको समझेंगे हम। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले आप इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि शैलो फाउंडेशन जो होता है वो, ठीक है, क्या होता है, शैलो फाउंडेशन किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इनके प्रकार को आगे हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं शैलो फाउंडेशन को। ठीक है, जब नींव की गहराई उसकी चौड़ाई के बराबर या उससे कम होती है तो उसे उथली नींव कहते हैं। ठीक है, अब समझो पहले नींव की गहराई, ठीक है, नींव की गहराई, क्योंकि नींव की गहराई में जाकर बनाया जाता है, नींव की गहराई उसकी चौड़ाई के, जो चौड़ाई होता है, ठीक है, क्योंकि नींव जब गहरा कण होगी तो उसकी कुछ चौड़ाई भी होगी, उसकी चौड़ाई के जब बराबर रखी जाती है, ठीक है, या उससे कम रखी जाती है, तो क्या कहलाती है, वह नींव उथली नींव यानी कि शैलो फाउंडेशन आपका कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, इस नींव का निर्माण उन जगहों पर किया जाता है जहाँ की मृदा की धारण क्षमता कम होती है, ठीक, सॉरी अधिक होती है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है एच है इज ग्रेटर देन आपका बराबर का चिन्ह भी लगा है, बी है, जहाँ बी बराबर नींव की चौड़ाई है, ठीक है, एच बराबर नींव की गहराई है। ठीक है, समझ पा रहे हो आप। आगे देखिए, इस वर्ग में निम्न प्रकार की नींव आती हैं, पहला है खसकेदार नींव या फैलाव नींव, जालदार नींव, संयुक्त नींव, सतत नींव, राफ्ट या पटनार नींव, पैड़ीदार नींव, प्रासपोर्टिंग नींव, उल्टी डाट नींव। ठीक है, तो यह कितने ओवरऑल आपका 8 प्रकार की नींव आपको आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये शैलो फाउंडेशन के अंतर्गत आते हैं। तो शैलो फाउंडेशन का आप डेफिनेशन लिखोगे, जब नींव की गहराई उसकी चौड़ाई के बराबर या कम होती है तो उसे हम उथली नींव यानी शैलो फाउंडेशन कहते हैं। अब इसे पॉइंट करके लिखोगे, इस नींव का निर्माण उन जगहों पर किया जाता है जहाँ पे मृदा की धारण क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, जहाँ पे मृदा की धारण क्षमता अधिक होती है वहाँ पे हम लोग उथली नींव का, शैलो फाउंडेशन का निर्माण करते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, खसकेदार, फैलाव नींव, जालीदार नींव, संयुक्त नींव, सतत नींव, अराफ्टे पटरा नींव, पौड़ीदार, यानी कि 8 प्रकार के आपके। ठीक है, और अगले टॉपिक में हम लोग टॉपिक नंबर 3 में इन सारे के शैलो फाउंडेशन आपका एक टॉपिक ही है, तो उस पर 8 प्रकार के जो नींव है सबको हम लोग 1 by 1 करके समझेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में कभी कभी आपका इसमें वो टिप्पणी के रूप में 3 से 4 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाते हैं, इसमें से 1-2 या नींव आपके आ जाते हैं, तो इसलिए सारी चीज़ों को हमको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, सबको पढ़ लेना है। ठीक है, आगे देखिए, तो आपको उथली नींव समझ में आया, उथली नींव क्या होता है, जब नींव की गहराई उसकी चौड़ाई के बराबर होती है या कम होती है, ठीक है, तो उसे हम उथली नींव शैलो फाउंडेशन करते हैं, इसका निर्माण वहाँ पे करते हैं जहाँ पे निर्माण की, सॉरी, मृदा की धारण क्षमता अधिक होती है। ठीक है, निम्न प्रकार के होते हैं, हम निम्न प्रकार आप देख सकते हैं, 8 प्रकार के हैं। ठीक है, सबको आप लिख लीजिएगा। आगे देखिए, आगे क्या दे रखा है, आगे दिया है यहाँ पे, एक मिनट, सही है, आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है आपका कि गहरी नींव एम डीप फाउंडेशन, जब नींव की गहराई उसकी चौड़ाई से अधिक हो, यहाँ पे क्या था, जब नींव की गहराई उसकी चौड़ाई से, जब नींव की जो गहराई थी उसकी चौड़ाई की क्या थी, बराबर या इससे कम होती थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, जब नींव की गहराई जो है उसकी चौड़ाई के क्या, चौड़ाई से क्या अधिक हो, तो उसे क्या, कौन सी नींव कहते हैं, तो उसे डीप फाउंडेशन यानी कि गहरी नींव, ठीक है, यानी कि गहरी नींव कहते हैं। ठीक है, इसका निर्माण कहाँ पे किया जाता है, जहाँ पे मृदा की धारण क्षमता काफ़ी कम होती है वहाँ पे हम लोग गहरी फाउंडेशन यानी कि डीप फाउंडेशन का निर्माण करते हैं। वहाँ पे जब नींव की गहराई उसकी चौड़ाई से कम होती थी या बराबर होती थी उसे शैलो फाउंडेशन कहा जाता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, गहरी नींव क्या है, जब नींव की गहराई आपकी यानी कि डीप फाउंडेशन जो है, नींव की गहराई उसकी चौड़ाई से जब अधिक होती है तो उसे हम गहरी नींव कहते हैं, यानी कि इसकी गहराई अधिक हो रही है, किससे, चौड़ाई से। ठीक है, गहराई में, गहरी नींव में गहराई उसकी अधिक हो रही है किससे, उसकी चौड़ाई से, तो उसे हम कौन सी नींव कहते हैं, डीप फाउंडेशन कहते हैं। और इसका निर्माण कहाँ पे किया जाता है, इसका निर्माण वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे आपका जो मृदा की जो धारण क्षमता होती है जहाँ पे कम होती है वहाँ पे हम इसका निर्माण करते हैं। ठीक है, जहाँ पर नींव की जलग्रस्तता, यहाँ पे देख रही है, जहाँ पे नींव की जलग्रस्तता होती है नींव में वहाँ पे इसका निर्माण करते हैं। ठीक है, जहाँ पे अधिक भार आने की संभावना होती है वहाँ पे हम लोग गहरी नींव का निर्माण करते हैं, नदी नालों में बनाना हो तब भी हम लोग गहरी नींव का निर्माण करते हैं। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन था, ये निम्न प्रकार के होते हैं, इनका निर्माण 3 प्रकार से किया जाता था। ठीक है, पाइल,
स्तूड़ा या खूंटे वाली नींव, पाइल फाउंडेशन जिसे इंग्लिश में बोला जाता है, कूपक नींव यानी कि वेल फाउंडेशन जिसे इंग्लिश में बोला जाता है, सी है आपका कैसुन या बक्से वाली नींव, ठीक है, जिसे कैसुन फाउंडेशन इंग्लिश में ही बोला जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल आप डिप फाउंडेशन को भी समझ लिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझे हैं नींव फाउंडेशन, पहला टॉपिक था फाउंडेशन क्या होता है उसको हम लोग समझे हैं। फाउंडेशन के में कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व किया गया है, फाउंडेशन के प्रकार है, उथली में फाउंडेशन दो प्रकार के, सिंपल लिखोगे फाउंडेशन के प्रकार तो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, उथली नींव, सैलो फाउंडेशन और डिप फाउंडेशन। सैलो फाउंडेशन का आप डिफिनेशन लिख लोगे, ठीक है, सिंपल है, जब नींव की गहराई उसकी चौड़ाई के बराबर या कम होती है सैलो फाउंडेशन कहते हैं। इसका निर्माण जहाँ पे मिट्टी की धारण क्षमता अधिक होती है वहाँ पे किया जाता है। निम्न प्रकार के होते हैं, प्रकार यहाँ पे आपके दिख रहे हैं, लिख लेना है। गहरी फाउंडेशन है जहाँ पे गहराई उसकी चौड़ाई से अधिक होती है उसे गहरी फाउंडेशन कहते हैं। इसका निर्माण आपको पता ही है, जहाँ पे मृदा की धारण क्षमता कम होती है, जलग्रस्तता वाले भूमि में जहाँ पे संरचना का अधिक भार आने की संभावना होती है वहाँ पर भी इसी का निर्माण किया जाता है, ठीक। और इसका भी प्रकार है, प्रकार आपके तीन प्रकार के होते हैं। आपको इसके अगले जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा वन बाय वन करके सबको समझा जाएगा, क्योंकि बेसिक टर्म है और आपके आपके टिप्पणी में 100% आपके आने वाले हैं, और कभी कभार तो 5 नंबर का भी बन जाता है। टाइप्स ऑफ फाउंडेशन सबको विस्तार से वर्णन कीजिए, तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन बनता है, तो सबको हम लोग समझेंगे, बारीकी से समझेंगे। आपके एग्जाम के जब एग्ज़ाम के पहले ही 15-20 दिन पहले, 1 महीने पहले, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेंगे, ठीक है। जैसा कि BMWE या BEE का थर्ड सेमेस्टर में चलाया गया था, चूँकि समय का अभाव होने के कारण, क्योंकि सबका सेमेस्टर पीछे हो गया था तो पूरा क्लास नहीं चल पाया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। CET की भी क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी, स्टार्ट हो गया है, पहला चैप्टर फिनिश हो गया है, उसको भी अप्रॉक्स दूसरे चैप्टर से पढ़ाना है, तो उसको भी वन बाय वन करके थोड़ा थोड़ा सबको साथ में लेते चलेंगे और सारा कुछ आपका कवर कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं दोस्त, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, जिससे कि, और बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत ही आसानी से मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।